प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। 84 के दंगों की सजा जो सज्जन कुमार को दी गई है, असं सब तो पहले हिंदुस्तान की जो न्यायपालिका है जुडिशरी उसको मुबारकबाद देते हैं कि जिन्होंने देर न फैसला दिता और सिखा के हित फैसला दिता गया, असं मुबारकबाद देते हैं। असं जुडिशरी जो है जिन्होंने एक बड़ा अपना आप दसन तो बाद जो कि उन्होंने कल्प्रिटा ने जिन्होंने सिखा साड़ के मारिया, जिन्होंने घर वढ़ के मारिया, घट तो घट 10,000 सिख दिल्ली के मारे गए हैं। असं पूछते हैं उन्होंने हुकूमतों को जिन्हों हुकूमत ने इन सिखा मारिया यदा कारण किया, जिस वक्त उन्होंने कसूर के सीगा, अगर किसी एक बंदे का कसूर है उसको गवर्नमेंट सजा देती है, उस तो बाद उसको एक प्रक्रिया मुताबक उसको सजा देने तो बाद रखा जाता है। पर ऐसा एक कारा वरत्या जिस दे विच एक अच्छे लीडर सन सज्जन कुमार कमलनाथ और जगदीश टैटर सी और पूरी कांग्रेस ने उठ के एक ऐसा कारा किया, घट तो घट 10,000 सिखा मारिया गया। असी इस जो कहान से सब तो पहले निखेधी करते हैं जिन्ह लोगों ने पोलीटिशियन हो के इन्हों लोगों मारिया। असी कहते जो कश्मीर के सिट किलिंग हो रही हैं, असी उन्होंने निखेधी करते हैं। असी हिंदुस्तान ने बल्कि दुनिया के भी सीरिया के होर कि किलिंग इनोसेंट किलिंग कर रहे हैं, हुकूमत कर रही हैं, असं उन्होंने निखेधी करते हैं। पर खास तौर पर जो सज्जन कुमार को एक सजा दी गई है, अस बड़े पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत को ਅਤੇ पूरे हिंदुस्तान की न्यायपालिका मुबारकबाद देते हैं कि जो भी फैसला आप जी कराया कर दो जल्दी तो जल्दी करने की कोशिश करो, ताकि जे जिहड़े ये लोग जो पार्टियां विच रह के अपनी पार्टी के दाग लाने इन लोग तो बचा जाए। असी एक बार फिर कहने कांग्रेस हुकूमत को जिन्होंने सिखा के कातल कमलनाथ को चीफ मिनिस्टर बनाया मध्य प्रदेश का, जिन्होंने जिसने उस वक्त 1984 के सिखा मध्य प्रदेश में ट्रेना चो कढ़ के मारा गया, और पूरी लीड जो जिस तरीके के नाल जिसे गुरुवार प्रबंधक कमेटी जैन सकत्र सरदार सुरजन सिंह ने गल की है कि सिख कौम के नाल जो 1984 दे विच एक विदेशियों वाला सलूक किया गया सी, जिस तरह कि सिख कौम हिंदुस्तान के वसनीक ही नहीं हैं, असी एक नामेद हो गए सा कि हिंदुस्तान के सिखों के लिए कोई इंसाफ नहीं है, क्योंकि 34 साल हो गए हैं साढ़े वो दिल्ली दे विच साड़ियाँ जो कि कीमती जाना गई हैं, साड़ी मावा भैन की इज्जत लुटी गई, पर जो उस वेले हुकूमत से मौजूदा हुकूमत ने वो सामने देख के एडमिशन शोल देखते रहे, तमाशे देखते रहे, पर किसी ने सिखों को ढार्स नहीं दी। 34 सालों तो बाद फिर एक साड़ी उम्मीद वजी है कि शायद असं आपको महसूस कर रहे हाँ इंसाफ मिले है, लेकिन बहुत देर के बाद मिले है, चलो मिले है कि अगर तो उम्मीद करा जो इस वे मौजूदा हुकूमत है कि सिखा बाकी कम्यूनिटी की तरह ही जो पूरे हकूक पूरे सम्मान पूरे इज्जत सत्कार दिता जाए। असं उस सज्जन कुमार के नाल जो हो जगदीश टाइटलर या होर दूजे ने अच्छे चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट उन्होंने क्लीन चिट दे दी है उन्होंने मुड़ पर केस खोले जाए, ता कि उन्होंने भी इसे तरह जेल के डाके फांसी सजा दी जाए, तो असं समझांगे कि जो साड़िया हिंदुस्तान के लिए दित्तियां कुर्बानियां सिख कौम दियां उन्होंने कुर्बानियों की कोई इस गौरमेंट के हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान की गौरमेंट के नज़रों के कोई इज्जत माण है, तो असं फिर इस गौरमेंट का जो शुक्रिया अदा करते हाँ कि जिन्हें सो इंसाफ दे के साडे हौसले बस तो हौसले मुड़ के बुलंद करने की कोशिश की है। इन्हें ही वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।